बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि गाड़ी पर काला झंडा फेंका गया है, वाहन पर काली स्याही भी फेंकी गई है। तो सोनभद्र जाते समय रास्ते में फेंकी गई है स्याही। हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने विरोध किया है। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। तो मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने लोगों को रोका है। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ पर ये मामला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। गाड़ी पर काला झंडा और काली स्याही फेंकी गई है। सोनभद्र जाते समय रास्ते में काली स्याही फेंकी गई है। तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने लोगों को रोका है। तो रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ पर यह मामला हुआ है। तो टेंगरा मोड़ के पास स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई है। रामचरितमानस के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर विरोध किया गया है। तो सोनभद्र जाते समय स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर काले कपड़े भी फेंके गए हैं। तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने लोगों को खदेड़ा है। तो रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। गाड़ी पर काले झंडे और काली स्याही फेंकी गई है। सोनभद्र जाते समय रास्ते में उनकी गाड़ी पर काली स्याही फेंकी गई है। तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने इसका विरोध किया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने लोगों को रोका है। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ पर यह घटना घटी है। तो रामचरितमानस के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर यह विरोध किया गया है। सोनभद्र जाते समय स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं विरोध की। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे तो समय हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उनकी गाड़ी पर काले झंडे और स्याही फेंकी। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उन लोगों को रोक लिया। तो इसी खबर पर देख के जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या पूरा मामला है? देखिए उधर बिल्कुल जिस तरीके से रामचरित मानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना जो हिंदूवादी जो नेता हैं संगठन हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में आ रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी से सोनभद्र के लिए जा रहे थे, तो वहां पर हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के ऊपर काले झंडे फेंके और स्याही फेंकी। जी जी अविनाश, धन्यवाद आपको इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। उन पर काले झंडे, उनकी गाड़ी पर काले झंडे फेंके गए हैं, ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, और काली स्याही भी फेंकी गई है। तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने इसका विरोध किया है।